टारगेट 3% सीरीज में नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक है नूपुर रिसाइकलर्स लिमिटेड NRL। आप इसमें 114, 121, 130 तक एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वीकली का, अगर आप चार्ट देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस था 107, एंड मंथली का भी आप अगर चार्ट देखोगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मंथली में भी रेजिस्टेंस था सेम एज पर वीकली 107। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये कैंडल का बॉडी का लो 100 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वीकली में और मंथली में अभी रेजिस्टेंस है, तो टारगेट जो फर्स्ट टारगेट हमारा वही रहेगा 123, देन 126, देन 130। एज पर चार्ट्स जो ओल्ड 52 वीक हाई है 123, 125 या अगर ब्रेक होता है तो आपको 130, 135, 140, 150 एंड अबो टारगेट्स मिल सकते हैं। वीकली में वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है, तो कुछ शायद पॉजिटिव न्यूज होगा स्टॉक में। एज पर पिवट पॉइंट्स 171 तक आपको इसमें टारगेट मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है AU बैंक में आप 700, 702, 715 तक एंट्री बना सकते हो। इसमें हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का लो 625 रहेगा, और 623 भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसमें हमारे टारगेट जो है 710, 720, 730 एंड अबो इसमें टारगेट्स मिल सकते हैं। वीकली में और मंथली में 711 पर रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक होता है तो आपको जो टारगेट्स डिस्कस किए वो मिल सकते हैं, एंड 750 अबो भी टारगेट आपको इसमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कामधेनु इस्पैट लिमिटेड। आप इसमें 610, 617, 625 तक एंट्री बना सकते हो। इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 520, टारगेट्स जो है 625, 635, 645 एंड अबो टारगेट रहेंगे। स्टॉक जो है ओल्ड 52 वीक हाई के पास है, तो अगर 52 वीक हाई अगर ब्रेक होता है तो आपको 700 एंड अबो टारगेट्स भी मिल सकते हैं। कोई भी स्टॉक में एंट्री मेरे बोलने पर मत लेना, चार्ट जरूर स्टडी करें।